स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और जैसा कि मैं आपको हर बार प्रॉमिस करके जाता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा दोबारा एक नए चैनल के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई वीडियो के साथ में। और आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि आपकी सीरीज चल रही है, किसकी? NCERT सीरीज चल रही है क्लास 7th की ज्योग्राफी की, तो उसी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है वाटर, उसको लेके आए हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चैप्टर में है क्या। देखो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में ख़त्म करके जाना होता है हमको, तो पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार आपको इंटीमेट करता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकें और मेरे पास गेन हो जाए सब्सक्राइबर्स का कि हाँ भाई मेरे पास इतने लोग हैं कि मैं इनको मुझे पढ़ाना है और इनको चीज़ें मेरे को बतानी हैं। सो नाउ अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं कि देखिए चैप्टर नंबर 5 वाटर। वाटर आप अच्छे से जानते हैं सबसे पहले कि व्हेन यू थिंक ऑफ द वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। पहले जब आप वाटर के बारे में सोचते हो आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती है, जैसे कि आपके दिमाग में क्या आता होगा? रिवर्स, रेनफॉल, वाटरफॉल, पिटर पैटर ऑफ रेनफॉल, पिटर पैटर ऑफ रेनफॉल मतलब रेन ड्रॉप, मतलब कि छमछमाना पानी का, और जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसकी छमछमाना, टिप टिप टिम टिम, वो जो मतलब टिप 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 जो बारिश पड़ती है वो वाली। वाटर इन योर टैप्स, टैप्स में जो अपने का वाटर होता है वो वाला। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पैडल, बाय नून द पडल्स वैनिश, वेयर डज द वाटर गो। ठीक, ये पानी जो होता है ये कहाँ चला जाता है? बारिश होती है, बारिश होने के बाद में शाम तक देखोगे आप, अगर सुबह बारिश हुई शाम तक देखोगे, अगर दोपहर में अगर धूप पड़ गई तो फिर सुबह शाम को देखोगे तो बारिश का पानी दिखता ही नहीं है। जो थोड़ा मोटा पानी होता है वो नहीं दिखता, लेकिन जो ज़्यादा पानी होता है वो तो खैर रहता है। बाकी अगर जो नहीं रहा वो गया तो गया किधर, इसके बारे में हमको ज़रा पता लगाना है और हम इसी के बारे में इस चैप्टर में ज़रूर पता लगाएंगे कि ये पानी जा कहाँ रहा है। तो द सन हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इनटू वेपर। जो सन की जो हीट है वो क्या करती है? इवेपोरेशन करती है। इवेपोरेशन की वजह से पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेम व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, जब वाटर वेपर कूल हो जाता है इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड। जब वाटर वेपर जो हवा में गया है, जो हमने पिछली भी चैप्टर में पढ़ा था कि जो वाटर वेपर हवा में हमारा गया है ऊपर उड़ के, जो गर्म हवा गई है पानी को लेकर के, वो क्या करती है? कंडेंस हो जाती है और क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। वहाँ से वो क्या करता है कि वो आपका वहाँ से कंडेंस होने के बाद में वो या तो रेन के फॉर्म में आएगा, स्नो के फॉर्म में, या फिर स्लीट के फॉर्म में वहाँ से आएगा, या फिर हेल के फॉर्म में वहाँ से नीचे गिरता है। अब द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन एटमोसफेयर एंड द लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, ये देखिए यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस, एक बार एक मिनट होल्ड करना ज़रा, ये देखिए ये वाली जो हमारी लिखी हुई है, ये द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशन एटमोसफेयर एंड द लैंड। वो प्रोसेस जो लगातार चलती रहती है और जिसकी वजह से पानी जो है हमारा ओशन एटमोसफेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट करता रहता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम, हमारी अर्थ जो है एक टेरेनियम की तरह। अब देखें टेरेनियम क्या चीज़ होती है। देखिए टेरेनियम क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर ड्यू, ये जो ग्लॉसरी में देखिए टेरेनियम, इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। ये आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है जिसमें कि हम स्मॉल हाउस प्लांट टाइप रखते हैं। ठीक है, टेरेनियम ये देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है इसने अंदर की तरफ में, जरा सा छोटा सा जो बगीचा टाइप बना देते हैं तो वो टेरेनियम होता है, जो किसी भी छोटी सी जगह के अंदर बनाते हैं। तो देन उसके बाद में अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेनियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। ये वही वाटर है जो कि हमारा सदियों साल पहले था, वही आज की तारीख में भी वाटर वही है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन
फ्लोट डाउन फ्रॉम द अमेजोन रिवर 100 ईयर्स अगो। जो पानी ऐसा भी हो सकता है कि जो पानी आज की तारीख में हम हरियाणा के खेतों में दे रहे हैं वो पानी हो सकता है कभी सदियों साल पहले अमेजोन रिवर से आया हुआ हो, बहकर आया हो। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर पॉन्ड। जो मेजर सोर्स हैं हमारे फ्रेश वाटर की वो क्या हैं? रिवर है, मेजर सोर्स क्या है? रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है और ग्लेशियर्स हैं। रिवर हैं, पॉन्ड, जो मतलब मेनली हमें पानी कहाँ मिलता है? रिवर्स में मिल जाता है, पॉन्ड में मिलता है, स्प्रिंग में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है। द ओशन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। द ओशन बॉडीज़ और सीज जो हैं ये हमारी सॉल्टी वाटर कंटेन करती हैं। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। जो सी और ओशन में जो वाटर होता है उसका वो सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर जो सॉल्ट आपको मिलता है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वो हमारा है सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट हम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ज़रा सा देख लेते हैं ये क्या चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने। यहाँ पर ये आपको मैप बना के दिया हुआ है किस चीज़ का, वर्ल्ड मेजर सीज लेक्स, और इनके बारे में दे रखा है कि यहाँ पे देखो अमेजोन रिवर यहाँ पर है, ये ऐसे करके ये आपको देख लेना है आपको खुद। देन उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सैलिनिटी की पहले बात करते हैं। बट इज सैलिनिटी, सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में कितना सॉल्ट है, कितना पानी है, ये जो होता है सॉल्ट, देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट बटे में वाटर। जब हम 1000 के एक किलोमीटर 1 kg में देखते हैं तो यही जो होता है हमारा, सॉरी द गाइस एक मिनट अभी देखते हैं। हाँ जी देखिए हमारा ये आ गया, एक मिनट, अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है हमारा ये 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज 35 parts per 1000। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज 35 parts per 1000। जो ओशियन की जो हमारी एवरेज सैलिनिटी है, ओशन की जो हमारी एवरेज सैलिनिटी है वो क्या है, 1000 ग्राम में आपको 35 ग्राम एवरेज की अगर बात करें तो 35 ग्राम आपको सॉल्ट मिलता है और बाकी जो बच गया आपका वो सारा क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज सैलिनिटी है। और यहीं अगर हम बात करें डेड सी की जो कि इज़राइल में है, इज़राइल का जो डेड सी है वहाँ पर क्या है, 340 ग्राम ऑफ सॉल्ट होता है पर थाउजेंट जो होता है हमारा, 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर में पर लीटर, ठीक है, एक लीटर में 340 ग्राम, 340 ग्राम जो होता है वो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है। देन ये जो डेड सी की बात करें तो हमारा ये डेड सी में इस तरीके से होता है। और यहाँ पर स्विमर्स जो होते हैं, स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, ठीक है। जो स्विमर्स होते हैं ना, क्या होता है यहाँ पर जो हमारे स्विमर्स जो होते हैं उनका क्या होता है, वो इसके ऊपर ना फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, फ्लोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है। अब सैलिनिटी ज़्यादा है तो क्या है, वो डूबते नहीं है इसमें, इस डेड सी जो इज़राइल का डेड सी है। और इसको डेड सी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते, जैसे ही हम रुके तो हमारी जो सेल्स वगैरह हैं वो सारे बस्ट वगैरह कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे और हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते इस सी के अंदर, ठीक है। और अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की बात करें तो आपका देखिए ओशियन जो है,
यहाँ पे ओशियन जो है हमारा, देखो ये सैलीन वाटर हमारा बहुत ज़्यादा है, सैलीन वाटर मतलब नमकीन पानी, खारा पानी जो है वो सबसे ज़्यादा उसका अमाउंट है वो है हमारा 97.3%। आइस कैप्स की अगर हम बात करें, ये देखिए ये जो है ये पूरा सैलीन वाटर है, ये पूरा फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में हमारे पास में है, आइस कैप्स में हमारे पास 2% पानी पड़ा हुआ है, और ग्रुप्स में अगर हम ग्राउंड वाटर में बात करें तो 0.68% वाटर पड़ा हुआ, फ्रेश वाटर के फॉर्म में देखें तो 0.009% पड़ा हुआ है, और इनलैंड और सीज और सी सॉल्ट लेक्स में देखें तो 0.009 पड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर में 0.0019 पड़ा हुआ है, और रिवर्स में 0.0001% पानी पड़ा हुआ है। मतलब टोटल 100% पानी में से हमारा सबसे बड़ा भाग जो है वो किसका है, सैलीन वाटर का है। मतलब जिस पानी, जिस वाटर को हम पी नहीं सकते, तो पीने लायक पानी हमारे पास बहुत ही कम है, जैसे बहुत ही कम है, जैसे जितना ये करीब कितना हो गया 97.3%, तो मतलब 2.7% करीब 2.7% पानी जो है हमारा, 2.7% पानी है, यही हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, यही हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने पढ़ लिया, इसके बाद है हमारा ये वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर, ये वाटर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं ये सब चीज़ें। अब ओशियन सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ओशियन सर्कुलेशन, देर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वाटर बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज एंड द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। अनलाइक द काम वाटर ऑफ द पॉन्ड एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, ठीक, इट इज नेवर स्टिल। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। देखिए देर इज समथिंग मैजिकल अबाउट द वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, जब आप नंगे पैर समुद्र किनारे घूमते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है, और जो वहाँ का जो गीली सैंड होती है जो बीच पे, और जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, और सी बर्ड्स जो होती हैं, समुद्री जो पक्षी होते हैं वे जो हमारे आसपास में उड़ रहे होते हैं, और वहाँ जो सैंड की जो स्मेल होती है हवा की, और म्यूज़िक ऑफ जो वेव्स का जो मूव म्यूज़िक होता है वो बहुत ही अच्छा हमें लगता है। हालांकि ये जो सारी कंडीशंस हैं ये आपको काम वाटर जो है हमारा, पॉन्ड लेक्स ओशियन वाटर, ये यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली मूविंग, ओशियन वाटर जो है पॉन्ड का लेक का वाटर है, ये कीप्स कंटिन्यूसली मूविंग, इट इज़ नेवर स्टिल, ये सारे ये जो कभी भी स्टिल नहीं होता, ये कभी भी रुकता नहीं है। ऐसे ही कुछ मूवमेंट होती हैं इन्हीं ओशियन में ब्रॉडली, जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं किस किस चीज़ में, हम उन्हें वेव्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उन्हें वेव्स में कर सकते हैं, टाइड में कर सकते हैं, और करंट में कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, वेव्स, टाइड्स और करंट। तो देखिए डू यू नो, एक बार देख लेते हैं इसका मार्च 22, आप याद रखना कि मार्च 22 जो है हमारा, मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है हमारा मार्च 22 को मनाया जाता है। इस दिन हम पानी को कंजर्व करने के लिए सोचते हैं, और इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि हमें पानी अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो क्या क्या हमारे साथ में हो सकता है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स, व्हेन यू आर प्लानिंग थ्रू बॉल ऑन द बीच एंड थ्रो बॉल ऑन अ बीच एंड द बॉल फॉल्स इन टू द वाटर, आप कभी प्लान करते हैं कि आप जाकर के बीच पर थ्रो बॉल खेलेंगे, और किसी तरीके से जो आपकी बॉल है वो भी पानी के अंदर चली जाती है, बीच के मतलब वाटर, बॉल फॉल्स इन द वाटर, पानी में चली जाती है, तो क्या होता है, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में कि किस तरीके से वो जो बॉल है लौट कर वापस आ जाती है, वो जस्ट बिकॉज किसकी वजह से आती है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स, ठीक है। जब पानी, जो वाटर लेवल है जो सरफेस, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस, सरफेस पर पानी जब बढ़ता है और एकदम से जब घट जाता है, अल्टरनेटिवली ये जो प्रोसेस होता रहता है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेव्स। देखिए ये जो आपका, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द वाटर सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर
कॉल्ड वेव्स, ठीक है। देन इसके बाद इधर हम इधर ये डू यू नो ज़रा देख लेते हैं इनका। ये डू यू नो जो है, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। विंड्स वेव्स कब बनती हैं, जब जो विंड है हमारी, विंड स्क्रैप करती है ओशियन सरफेस के ऊपर में, तो वेव्स जनरेट होती हैं। जितनी तेज विंड चलेगी उतनी ही बड़ी वेव बनेंगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उतनी ही बड़ी वेव बनेगी। आप देखिए इधर हम देखते हैं ज़रा, ड्यूरिंग अ स्ट्रॉम द वाटर ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म्स ह्यूज वेव्स। ड्यूरिंग अ स्ट्रॉम, जब कोई जब आपका तूफान आता है, तो विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, जो विंड बहुत ही तेज चल रही है वो बड़ी बड़ी ह्यूज वेव भी बनाती है। दे में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन भी कर सकती हैं। एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन और द अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड द सुनामी। अब ये जो सुनामी हो सकती है हमारी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से क्या हो सकता है, एक ह्यूज डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ह्यूज टाइडल वेव बन सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं सुनामी। अब सुनामी देख लेते हैं कि सुनामी क्या है। तो सुनामी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, सुनामी एक जैपनीज वर्ड है, ठीक है। सुनामी जो है हमारा एक जैपनीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी, ठीक है। इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, ठीक है। हार्बर वेव्स मतलब कोई भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, तो उसी की वजह से इनको हम सुनामी कहते हैं। जैपनीज वर्ड है सुनामी, याद रखना इस चीज़ को आप। देन उसके बाद में, दे मे बी हाई एज 15 मीटर। आप सोच सकते हो ये जो वेव्स होती हैं करीब करीब 15 मीटर ऊंचाई तक की भी हो सकती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एज हाई एज 15 मीटर, द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। आज तक की जो सबसे बड़ी सुनामी अभी तक मेज़र की गई है वो 150 मीटर ऊंची वेव के तौर पर देखी गई है। आप सोच सकते हो 150 मीटर ऊंची वेव जो आ रही है वो कितना सारा पानी लेके आ रही होगी, और जहां भी वो गिरेगी वो कितना डिस्ट्रक्शन करेगी, बिल्डिंग की बिल्डिंग्स गिरा देगी वो, ठीक है, रोड सब कुछ तहस नहस करती चली जाएगी। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर्स। आप सोच सकते हो अब ये जो वेव्स एक तो 150 मीटर ऊंची है, ऊपर से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये आएगी, ठीक है, जब ये आएगी तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगी। तो आप द सुनामी ऑफ द 2004 कॉज्ड, जो 2004 का एक सुनामी थी वो उसने बहुत ही बड़ा डैमेज कोस्टल एरियाज में इंडिया में किया था। इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे है, ये देखिए ये जो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ये हमारा इंदिरा पॉइंट और जो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जो इंदिरा पॉइंट है, एक मिनट, हाँ ऐसे करना पड़ेगा, वैसे हो नहीं रहा है। तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, जैसे कि अब ये मान लो इंदिरा पॉइंट है कहाँ, देखिए आपका ये ऐसे करके एक मिनट होल्ड ऑन, ये ज़रा बेकार बना है। तो आपका इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ हमारा मैप, ठीक है, कुछ इस तरीके से खास ढंग से नहीं बना है, तो इस तरीके से मैप है। तो यहाँ पर जो इधर की साइड में क्या है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो यहीं पर जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, ये जो सबसे वाला लास्ट वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, वहाँ पर ये जो इंदिरा पॉइंट जो था हमारा सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी के बाद ये इंदिरा पॉइंट पूरा का पूरा उसके अंदर डूब गया था, ठीक है। तो फिर ये सुनामी के बारे में यहाँ पे कहीं पे सुनामी आई थी उसके बारे में पूरा दे रखा है आपको। देन उसके बाद आती है हमारी टाइड्स। टाइड्स की अगर हम बात करें तो रिदमिक राइज एंड द फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। जब देखो रिदम के साथ में होता है, एक दिन में दो बार होगा, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस अ डे इज नोन एज टाइड, ठीक है। एक दिन में दो बार रिदमिक राइज और फॉल होगा जब वाटर का, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएंगी टाइड्स। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच
ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाई लेवल. इट इज़ हाई टाइड व्हेन, जो ये हाई टाइड होती हैं हमारी, इट इज़ हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग द हाई लेवल. जब हाई लेवल पे जब जो हमारा शोर है, हमारा किनारा है सी का, वो जब हाई लेवल पे वहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, बोलते हैं ना कि आज पानी का स्तर बढ़ गया है, तो हाई लेवल का जो होता है वो वहाँ पे वो उस टाइम पे वो हाई टाइड कहलाती है. और जब बिल्कुल सूख जाता है पानी किनारे पर और नीचे बिल्कुल बहुत कम पानी हो जाता है, तो वो उसे लो टाइड कहते हैं हम. ठीक है, देन उसके बाद ये इधर देखिए, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स. अब ये जो टाइड हैं, ये टाइड बनती कैसे हैं? अब ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो होता है हमारा सन बाय सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस, सन और मून के द्वारा जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से हमारी टाइड्स बनती हैं. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड. देखिए, जो पानी वाटर जो पानी जो मून के जो पास में होगा, वो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून की तरफ खींचा चला आता है, तो वो मून की तरफ जब खींचा चला आता है तो क्या होता है, वहाँ पर बनती हैं हमारी हाई टाइड. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड इन्फ्लुएंस बाय द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज द हाई टाइड. ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन द टाइड्स आर हाईएस्ट. जब देखो द फुल मून और न्यू मून की पोजीशन में क्या होता है, सन मून और अर्थ जो होती है, सन मून और अर्थ सारे सारे सेम लाइन में होते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है, हाई टाइड बनती हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. इन्हीं टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स व्हेन द मून इज इन द इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर. जब मून हमारा फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है अपने, जब मून जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून हाई टाइड्स, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड. बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनल ओपोजिशन. ओशियन वाटर जो होता है वो डायगनल ओपोजिशन में हो जाता है, तो उससे क्या होता है डायगनल ओपोजिशन, तो फिर उससे बनती हैं लो टाइड्स डायगनली अपोजिट डायरेक्शंस बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स. दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड. इन टाइड्स को हम बोलते हैं नीप टाइड्स, इनको हम बोलते हैं नीप टाइड. ये आपको याद रखने हैं, ये दो शब्द जो हैं हमको याद रखने हैं, एक स्प्रिंग टाइड और एक नीप टाइड. स्प्रिंग टाइड कौन सी होती हैं, ये हमारी हाई टाइड होती हैं हाई, और नीप टाइड जो होती है हमारी ये लो वाली होती हैं, ये आपको याद रखनी है. देन उसके बाद हम देखते हैं हाई टाइड्स हेल्प इन द नेविगेशन. जो हाई टाइड्स होती हैं वो नेविगेशन में आपको, हाई टाइड का क्या काम होता है, वो नेविगेशन में बोलते हैं, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली. जब टाइड्स हाई हो जाती हैं तो फिर इससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी किनारे पर शिप आ जाता है. दिस हेल्प्स द शिप अराइव हार्बर. द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग. जो हाई टाइड्स होती हैं फिशिंग में भी काम आती हैं. जब ज़्यादा स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि मछलियाँ भी किनारे पर ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं, किनारे पर आ जाती हैं, और मछलियाँ किनारे पर जाती हैं तो फिर वो लोगों के काम भी आ जाती हैं, खाने पीने के काम में भी आ जाती हैं. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ऑफ ड्यूरिंग द हाई टाइड. दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट प्लेंटीफुल कैच. द राइज इन द फॉल ऑफ द वाटर ड्यू टू द टाइड्स इज बींग यूज टू जनरेट. अब ये टाइड्स का राइज ऑन फॉल जो है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो रही है कहीं कहीं पर, सम प्लेसेस पर अगर हम देखें तो. देन उसके बाद हम ओशन करंट्स की अगर हम बात करें, देखिए ओशन करंट की बात करें तो ओशन करंट आर द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन. ओशन करंट जो हैं हमारे, ये वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं जो कि एक ओशन सरफेस पे डेफिनेट डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं. द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड. ओशन करंट जो हैं हमारे वार्म भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं. जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर. जनरली अगर हम देखें तो इक्वेटर के पास में जो वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट करते हैं और वो पोल की तरफ मूव करते हैं. द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हाइयर लैटिट्यूड्स. जो कोल्ड करंट हैं वो पानी लेके आते हैं. वाटर कहाँ से कैरी करते हैं, पोलर और हाइयर लैटिट्यूड से, और टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड. पोलर से लेकर के आते हैं और ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड के लिए. तो द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट.
देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी ये चीज़ अब जो मेन आ गई हमारी, द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कॉल्ड द इज कॉल्ड करंट विल इन लैब्राडोर ओशियन करंट इज कॉल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। द ओशियन लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज कॉल्ड वार्म करंट। ये आपको लाइन याद रखनी है। देखिए अब यहाँ पर आपको देख लेते हैं एक मिनट, जो लैब्राडोर ओशियन करंट है उनको हम बोलते हैं कोल्ड करंट, और जो गल्फ स्ट्रीम वाले जो वार्म करंट गल्फ स्ट्रीम वाले हैं उनको वार्म करंट कहते हैं। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ठीक है, ओशियन करंट जो होते हैं वो किसी भी जगह के टेम्परेचर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट, जो एरिया जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करता है वो एरिया जो होता है वो बेस्ट होता है फिशिंग ग्राउंड के लिए, ऑफ द वर्ल्ड। Seas around Japan and the eastern coast of North America are such examples. Seas around Japan के पास में, और ईस्टर्न कोस्ट के जो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस फॉगी वेदर। जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मीट करते हैं वहाँ पर आपको फॉगी वेदर भी मिलेगा, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द नेविगेशन। नेविगेशन आपको दिखाई नहीं देगा, वहाँ विजिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पर फॉग बनता है, इसीलिए वहाँ पर ये जो एरिया जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं ये फॉगी कंडीशंस हो जाती है, वहाँ पे नेविगेशन भी कम होता है। तो यही था आपके इस वाले चैप्टर पे, और आपको एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।